हेलो फ्रेंड्स, एफ एडवर्ड में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी स्टिल लाइफ की क्लास है और हम इसमें स्टिल लाइफ को बनाते हैं और आपको बताते हैं। आज इस वीडियो में हम बनाने वाले एक डोलची, जैसे कि आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में बनाया था एक केतली को, जो चाय की केतली होती है उसको बनाया था। आज हम एक डोलची को बनाने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, आई होप आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले एक स्ट्रेट लाइन डाल रहा हूं मैं, उसके बाद एक ओवल। ओवल के थ्रू ही मैं जो हम डोलची बनाने वाले हैं आज, उसको बनाएंगे। और ध्यान रहे कि आपका ओवल एकदम एक्यूरेट हो और कोनिकल ना हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं किस तरह से ओवल को लेके डोलची को बना रहा हूँ। जस्ट ओवल और लाइन के थ्रू हम डोलची को बनाने वाले हैं। शोल्डर के लिए भी हमने ओवल का यूज़ किया है। बेस नीचे, बेस के लिए भी, बेस भी हम उससे ओवल के थ्रू बना रहे हैं। तो ओवल और लाइन मस्ट है। और आपको ये चीज़ जब भी आप ड्राइंग करो या स्टिल लाइफ करो या कुछ भी एनीथिंग, तो आपको ओवल और लाइन आपके एकदम एक्यूरेट हो, जिससे कि जो भी आप बना रहे हो वो एकदम अच्छा लगे। तो ये डोलची हमारी बन चुकी है। अब उसमें थोड़ा सा हम लाइन को थोड़ा और डार्क करें, जिससे कि वो आपको स्क्रीन में विजुअल हो, अच्छे से दिखे वो स्क्रीन के ऊपर। और उसका जो तो हमने शेडिंग स्टार्ट कर दी है।
आप देख सकते हो कि हम अभी एक बेस शेडिंग कर रहे हैं, मतलब आपको बता रखा है कि जब भी आप शेड करो तो पहला जो शेड होगा वो लाइट होगा एकदम, और वो पूरे पे एक जैसा होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ डेप्थ है वहाँ वहाँ हम शेड करेंगे और डेप्थ देंगे। तो जहाँ जहाँ हमें डेप्थ लग रही है वहाँ वहाँ हम डेप्थ दे रहे हैं। सो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ डेप्थ है वहाँ वहाँ हमने डेप्थ दी, और धीरे धीरे जो डोलची है हमारी वो निकल के आ रही है अच्छे से। अब हम हैंडल बना रहे हैं। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलना है आराम से और बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जहाँ जहाँ डेप्थ है वहाँ वहाँ हम शेड कर रहे हैं।
हैंडल पे भी जो जो जहाँ जहाँ डेप्थ है हल्का हल्का एकदम डिटेल में वहाँ पे हम शेड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ हमारी डेप्थ थी हमने वहाँ पे डेप्थ दे दी और धीरे धीरे डोलची बन चुकी है हमारी। अब थोड़ा बहुत जहाँ पर भी हमें और लगेगा कि हाँ यहाँ पर थोड़ी सी और डेप्थ होनी चाहिए तो वहाँ पे देंगे। अभी हम बैक फोरग्राउंड कर रहे हैं जिससे कि जो हमारी डोलची है वो ऐसा ना लगे कि वो हवा में है, तो फोरग्राउंड करना मस्ट है। मैंने शेडो भी दिया डोलची की जैसा कि आप देख सकते हो, और बैकग्राउंड में भी हल्का हल्का हम शेड कर रहे हैं जिससे कि बैकग्राउंड और फोरग्राउंड अलग अलग लगे, एक जैसे ना लगे। तो अब ये हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ डेप्थ है हल्की फुल्की वहाँ पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया, पहले उसको ड्रॉ किया फिर उसके बाद मैंने इसमें शेड किया स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट सेकंड थर्ड टोन लगाई और हाईलाइट के लिए मैंने इसमें जहाँ पे हाईलाइट थी वहाँ पे मैंने छोड़ दिया, मैंने इरेजर का यूज़ नहीं किया। इसमें नेचुरल जो शीट होती है वाइट उसका यूज़ करके मैंने हाईलाइट को दिया, जहाँ जहाँ हाईलाइट था वहाँ पे मैंने छोड़ दिया था। सो फाइनल आउटपुट आपके सामने है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर के नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।